वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका इन्वेस्टमेंट 2022 समिट का वर्चुअल इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जब भी टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बात होती है तो दिमाग में नाम जो सबसे पहले आता है वो है ब्रांड बेंगलुरु, और ये नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित हो चुका है। साथियों, 21वीं सदी में भारत आज जिस ऊंचाई पर है वहां से अब उसे निरंतर आगे ही जाना है। पिछले वर्ष भारत ने करीब 84 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल किया था, और आप भी जानते हैं कि नतीजे तब आ रहे हैं जब दुनिया कोविड वैश्विक महामारी के असर और युद्ध की परिस्थितियों से पूरी दुनिया जूझ रही है। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है। भारत में भी युद्ध और महामारी से बनी स्थितियों का विपरीत प्रभाव पड़ा ही है। बावजूद इसके आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ये दौर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का है, लेकिन तमाम देश एक बात को लेकर आश्वस्त है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत है। आज के इस फ्रेगमेंटेड दौर में भारत दुनिया के साथ जुड़कर और दुनिया के लिए काम करने पर जोर दे रहा है। इस दौर में सप्लाई चेन्स को ठप पड़ते देखा है, लेकिन इसी दौर में भारत हर जरूरतमंद को मेडिसिन और वैक्सीन सप्लाई करने का भरोसा दे रहा है। ये मार्केट फ्लक्चुएशन का दौर है, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं हमारे घरेलू बाजार की मजबूती की गारंटी दे रही है। और सबसे अहम बात, ये भले ही ग्लोबल क्राइसिस का दौर है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं, और हम अपने फंडामेंटल्स पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन और मजबूत हो। पिछले कुछ महीनों में भारत ने जितने फ्री ट्रेड डील्स किए हैं उससे दुनिया को हमारी तैयारियों की झलक मिल चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 56वां दिन रहा। इस दौरान राहुल गांधी की लीडरशिप में ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की क़यादत में सुबह तेलंगाना के हैदराबाद शहर से ये यात्रा फिर शुरू हुई। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में फिल्मी कलाकार पूजा भट्ट भी शामिल हुई, साथ ही सफाई के योद्धाओं ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार बयानबाजी जारी है। ऐसे में दिल्ली में वजीर गोपाल राय ने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया। कल मैं दो साइट्स पे गया, एक साइट पर काम बंद था, दूसरी साइट जहां पर L&T के द्वारा कंस्ट्रक्शन के बंद किए काम को न सिर्फ चोरी छिपे चलाया जा रहा था, बल्कि ये आश्चर्य हुआ कि एक भी नॉर्म्स को वो फॉलो नहीं कर रहे। ना तो वहाँ एंटी स्मॉग गन लगाया उन्होंने, जबकि ये तो बहुत पहले से ऑर्डर था। सारी मिट्टी जो है ऐसे खुले में पड़ी हुई थी, उसको ढका तक नहीं गया था।
वहां पर जो कंस्ट्रक्शंस के बाहर जो टीन सेट से ढका जाता है उसका भी वहां पर अभाव दिखा। बाद में पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है। कल जब हमने इस पर कार्रवाई की तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल पंजाब में पराली जलवा करके दिल्ली के लोगों की सांसों को घोट रहे। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो पार्टी CAQM दिल्ली सरकार का आर्डर चलो आप नहीं मानते हो, क्योंकि दिल्ली सरकार को ही आप नहीं मानते हो, लेकिन CAQM का आर्डर को जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में नहीं फॉलो करने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पटाखों का प्रदूषण बढ़े इसके लिए एड़ी चोटी लगाने को तैयार है। जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के वाहनों का प्रदूषण कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को रुकवाने को तैयार है, वो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के प्रदूषण की चिंता हो गई और अचानक पंजाब के किसानों को गाड़ी देने लगे। हमने सुना है कि अभी चिट्ठी लिखी जा रही है कि किसानों पे FIR करो। राजनीति केवल करना है तो जो मर्जी वो करे। तेलंगाना की सियासत में अपने काम और जद्दोजहद के बल पर KCR आवाम की पसंद बने हुए हैं। मौजूदा हालात में सियासत के बेताज बादशाह KCR के सफर को देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जय तेलंगाना। के चंद्रशेखर राव का नाम हिंदुस्तान की सियासत में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। TRS पार्टी व्यवस्थापक अध्यक्ष लोग KCR गारु तेलंगाना गांधी वारिकि स्वागतम सुस्वागतम। के चंद्रशेखर राव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नौजवान नेता के तौर पर सियासत में एंट्री ली। हालांकि इसके बाद उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP को उस वक्त ज्वाइन कर लिया था जब फिल्म स्टार से सियासतदा बने एनटी रामाराव ने 1983 में पार्टी की शुरुआत की। हालांकि जब उन्होंने सिद्दीपेट सीट से TDP के टिकट पर चुनाव लड़ा तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार के हाथों चुनाव हार गए, लेकिन KCR ने बाद में वापसी की और 1985 में कांग्रेस से ये सीट जीतकर छीन ली। इसके बाद विधानसभा और लोकसभा दोनों सतह के चुनाव में उन्होंने 13 बार जीत हासिल की, जिसमें KCR ने करीमनगर, महबूब नगर और मेदक की सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना रियासत की तशकील के मुद्दे के साथ ही 27 अप्रैल 2001 में कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई। तेलुगु देशम से अलग होकर KCR ने तेलंगाना के महज एक मुद्दे के साथ जद्दोजहद की और साथ ही हैदराबाद पर भी अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और 2004 में मरकजी वजीर भी बने। हालांकि KCR ने कांग्रेस पर तेलंगाना मुद्दे पर धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए गठजोड़ से नाता तोड़ लिया और वो तेलंगाना नाम की अलग रियासत के वजूद के लिए जोर देते रहे। 2009 में जब तेलंगाना आंदोलन फिर से शुरू हुआ तो उन्होंने TDP के साथ गठजोड़ कर लिया। उस समय आंध्र में YSR राजशेखर रेड्डी की लीडरशिप में कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन YSR के नाम से मशहूर राजशेखर रेड्डी की इसी साल एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई, जिससे सूबे में तेलंगाना के वजूद के लिए एक बड़े आंदोलन का मैदान खुला रहा।
केसीआर नई पार्टी बनाने के पहले टीडीपी के साथ थे। तेलंगाना के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू से इख्तलाफ होने के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी, साथ ही विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया और तेलंगाना की तश्कील की मुहिम में जुट गए। अवाम का साथ केसीआर को मिला और आखिरकार तेलंगाना वजूद में आ गया। 2014 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में केसीआर ने यूपीए और एनडीए से बराबर की दूरी बनाकर रखी और टीआरएस ने तेलंगाना के मुद्दे पर अकेले चुनाव लड़ा। इस चुनाव में केसीआर को आवाम का भरपूर साथ मिला और 17 में से 11 लोकसभा सीटें केसीआर के खाते में गईं। वहीं विधानसभा की 119 सीटों में से 63 सीटों पर फतह हासिल कर केसीआर ने अपनी धमक का एहसास करा दिया। द पार्टी जनरल बॉडी मीटिंग यूनानिमसली रिजॉल्वड टू चेंज द नेम ऑफ द पार्टी फ्रॉम तेलंगाना राष्ट्र समिति टू భారత రాష్ట్ర సమితి दो जून 2014 को चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले वजीर आला बने। केसीआर को तेलंगाना की आवाम का साथ ऐसा मिला कि साल 2018 में 119 में से 88 सीटें हासिल कर केसीआर तेलंगाना के बेताज बादशाह बने रहे। चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की और वक्त के साथ साथ तेलंगाना ने तरक्की के नए आयाम तय किए। आपसी भाईचारे के साथ सूबे में कानून के राज की नई इबारत केसीआर ने लिखी। केसीआर ने अब पार्टी को नेशनल लेवल पर लॉन्च कर दिया है। टीआरएस से पार्टी का नाम अब बीआरएस करके नेशनल लेवल पर चंद्रशेखर राव ने दस्तक दे दी है। न्यूज डेस्क तहजीब टीवी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी अपनी फिल्म मिली के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची। प्रमोशनल प्रोग्राम का इनकाद साकेत के पीवीआर सिलेक्ट सिटी वॉक पे किया गया था। फिल्म 4 नवंबर को रिलीज होगी। मुथुकुट्टी जेवियर इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और बोनी कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। मिली एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में जानवी कपूर, सनी कौशल और मनोज पहवा अहम किरदारों में हैं। डायरेक्टर ने इस फिल्म को साल 2019 की अपनी मलयालम फिल्म हेलन के रिमेक के तौर पर बनाया है। इसमें फ्रीजर में फंसी मिली एक खातून खुद को जिंदा रखने की जंग लड़ रही है।